बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए, हरे हीरा की तरफ जा रहे हैं। ऊपर का मंजर है, अभी हमने चढ़ना शुरू करना है इंशाल्लाह। ये ऊपर चोटी तक पहुंचना है इंशाल्लाह। जितने नूर हैं हरे हीरा की तरफ जा रहे हैं, काफी फासला तय कर रहे हैं। ये पहले स्टेप तक थोड़ी देर लगी है। ऊपर जब नूर है इसे थोड़ा सा आगे जाके अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फासला तय हो गया। किबले नूर पे जी हज़ार खिराब पे तकरीबन पहुंच चुके हैं। ये बस यहाँ पे चाहते हैं उसको थोड़ा सा नीचे उतरना है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वक्त लग गया। ये किबले नूर इधर जा रहे हैं जी, मिट्टी को भी उठाया हुआ है। मुश्किल से रास्ता है, देखिए कुछ लोग उधर से उतर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। यार खिरा की सराउंडिंग का इलाका है जी, ये सारी आबादी है नीचे। वो सामने क्लब का आपको नजर आ रहा है, ये पहाड़ है जी खिरा का, ये मेन जगह है। ये छोटी सी जगह जहाँ से लोग अंदर जा रहे हैं। मुमकिन नहीं है कि यहाँ पे नफल पड़े जाएं। पड़े तो जा सकते हैं लेकिन धक्के देखिए वो औरतों के दरमियान से गुजर के जाने का मकसद कोई नहीं आया। अल्लाह पाकिस्तान में फरमाए, ये है वो गार जहाँ पे वो बंदे आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ये नफल बुजुर्ग पढ़ के फारग हुए हैं। ये बस ये छोटी सी जगह है, ऊपर भी लोग खड़े हैं। काफी ज्यादा रश और दंगा मुश्ती हो रही है यहाँ पे। देखें लोग बेचारे खड़े इंतजार कर रहे हैं कि शायद हमारी बारी आए, लेकिन यहाँ पे मौका मिलना मुश्किल है। इसको देख लिया अब मैं, कोई इरादा नहीं है कि यहाँ पे लोगों को धक्के देते हुए आगे जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह भी ये देख ले, ये घर है अल्हम्दुलिल्लाह। जगह सेक्टर होने में वहाँ कोई दिक्कत नहीं, जगह नजर यहाँ पे वो फुल लड़का झांक रहा है नीचे की तरफ सुराख में। ये इसके नीचे वो नफल पड़ने की जगह है, वो जगह जहाँ पे सबसे पहली वही उतरी। सराउंडिंग भी दिखा देता सारा। समय क्लब का भी नजर आ रहा है। देख लें किताब है सब नौकल अदा करने के लिए जगह पे से इस्लाम की इब्तदा हुई। हमारे प्यारे आका नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया करते थे नब्बे अरसे तक इबादत के लिए। इस जगह पे जिब्रील अलैहिस्सलाम पर पहले दबा गई थी। जगह है ये जबल नूर गारे हीरा, ये सबसे ऊंची चोटी है। थोड़ा नीचे जाके फिर आप गारे हीरा की ज्यारत करते हैं। नीचे उतर के यहाँ पे नींबू पानी रोक्त हो रहा है और साथ में ये नकूतर के लिए दाने भी रखे हुए हैं, वो दाने डाले अल्हम्दुलिल्लाह, ये शर्फ हासिल किया सुभान अल्लाह। ये देखे कबूतर किस तरह बेचारे पाक पक के आ रहे हैं, खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी लिफ्ट है ये? जमजम टेबल की बहुत ऊपर चलेगी।
मैं तो मक्का में है और मक्का अजियाद रोड से हम जा रहे हैं अजीजिया नॉर्थ की तरफ। वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट है इंशाल्लाह, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, खाना खाने का इरादा है। ये बस में पहला सफर है मेरा, पहला तजुर्बा है सऊदीया में। आज से पहले कभी बस में सफर नहीं किया, मतलब बड़ा जबरदस्त किस्म की बस है। और ये मुझे बताया गया कि ये बस सर्विस फिलहाल फ्री है 31 दिसंबर तक। 1 जनवरी से इसका किराया शुरू हो जाएगा। मैं इस वक्त अजीजिया में खड़ा हूँ, मक्का में ये इलाका, और मक्का का ये होटल सरगोदा होटल मुताम मुमताज़ इस पर लिखा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर आए हैं खाना खाने के लिए, इनका खाना टेस्ट करना है। अभी हमारे कुछ साथी हैं, उन्होंने बताया कि ये इनका खाना बहुत ही अच्छा है। ये बैठने का नीचे भी इंतज़ाम है और कुर्सियों पर भी लोग बैठे हुए हैं। इसका खाना चेक करते हैं इंशाल्लाह। मैंने सोचा आपसे भी इसको शेयर कर दूँ ताकि आप भी देख लें अजीजिया का ये अच्छा होटल। आप भी जब कभी इधर आएँ अजीजिया में, इस होटल पे ज़रूर खाना ट्राई करें क्योंकि इसकी काफ़ी तारीफ सुनी है। ये ओरिएंटल मिक्स ग्रिल मंगाई है और उसके साथ ये चिकन स्लीक, दोनों बहुत कमाल के लग रहे हैं। देखते हैं अब खाने में ये कैसे होंगे। माशाल्लाह जी, ये देखें छोटी सी चिड़िया, ये उड़ के ये उधर जा रही है। माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त, इन्होंने अपने यहाँ पे घर बनाए होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, और यहाँ पे इनके घर या घोंसले बिल्कुल तोड़े नहीं जाते बल्कि उनकी हिफाजत की जाती है जब तक उनमें से घोंसलों में जो अंडे। ये मदीना की बारिश देख लेनी, सॉरी मक्का की, मक्का की बारिश देखी। इंशाल्लाह पता, मक्का वाले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे नमाज पढ़ाई थी क्योंकि खाना काबा की सफाई हो रही थी, बुत वगैरह थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे एक नमाज पढ़ाई थी। ये मस्जिद उस हवाले से बहुत मशहूर है। मैंने कहा आपको भी दिखा लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये हरम के इलाके में है, इसको ज़रा गौर से देखें। यहाँ पर मस्जिद बना दी गई है, यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नमाज पढ़ाई थी। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यहाँ पर अज़ान दी थी। इसी जगह पर मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे मस्जिद शजर है। मस्जिद शजर के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि उस जगह पर बनाई गई थी जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा अल्लाह पाक ने दिया था उनको, एक दरख्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही देने के लिए ज़मीन को चीरता हुआ उस जगह पे पहुँच गया था जहाँ पे उनसे नबूवत की कोई निशानी मांगी जा रही थी। तो उस जगह पर बाद में आने वाले मुसलमानों ने ये मस्जिद बना दी ताकि उस जगह का निशान बाकी रहे। बाकी बहुत सारी जगहों तरह इसको भी महफूज किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आपको दिखाने का मौका मिला। मैं मक्का मुकर्रमा में जन्नतुल मौला के बाहर खड़ा हूँ। जन्नतुल मौला एक कब्रस्तान है जिसमें नबी पाक सल्लम के वालिद मोहतरम अब्दुल्ला, दादा अब्दुल मुतलिब, उनकी प्यारी बीवी हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, इसके अलावा बेशुमार जलील क़दर सहाबा इकराम की कब्रें हैं यहाँ पे। ये बहुत मशहूर कब्रस्तान है यहाँ का और बहुत मुकद्दस मुसलमानों के लिए इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। आज इसकी ज़ियारत को आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने यह मौका दिया। यमुना भी मेरे साथ है, मैं वाइफ और बेटी के साथ आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसके बाद जाएंगे मस्जिद जिन देखेंगे। मक्का मुकर्रमा में मस्जिद जिन के बाहर खड़ा हूँ। ये मशहूर मस्जिद जिन है जहाँ जिन्नों की एक बहुत बड़ी जमात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पे इस्लाम कबूल किया था। ये बहुत तारीखी अहमियत की हामिल है और इस्लामी तौर पे ये बहुत मुकद्दस जगह है। मुसलमानों के लिए एक ऐसी जगह है जो जिसके जिसके साथ मुसलमान अकीदत रखते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। आप भी देखें इसे, बहुत खूबसूरत अंदाज में बनी हुई है माशाल्लाह। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगली किसी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त है।